IIET NCERT के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है मानसिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्यक्रम गंदा पानी साफ पानी। पानी जल्दी पियो, मुझे भी पीना है। अरे गिलास कहाँ है? घड़े में से पानी कैसे निकालें? मैं तो अपने खाने के डिब्बे से पानी निकालकर पी रहा हूँ। तुम भी ले लो। खाने के डिब्बे से पानी थोड़े ही निकालते हैं, पानी तो गिलास में डालकर पीते हैं। हाँ, पर गिलास है कहाँ? ये रहा गिलास, लो अब तुम भी पानी पी लो। हाँ जल्दी पियो विमला, मुझे भी पानी पीना है। पानी पी लो गटागट पीलो भागो झटापट झटापट, पीलो भागो झटापट झटापट। विमला, तुमने अभी पानी पिया था ना? आज उसका स्वाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, मुझे भी पानी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने तो इसीलिए बस दो ही घूंट पिए। बच्चों, अब बातें बंद करो और अपनी अपनी कॉपी खोलो। आज हम पेट में दर्द हो रहा है। महेश, क्या बात है? अभी तक कॉपी क्यों नहीं खोली? अरे क्या हुआ, पेट क्यों पकड़े हुए हो? दीदी, महेश के पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अच्छा, महेश तुम ऐसा करो, यहाँ पर यहाँ पर लेट जाओ थोड़ी देर के लिए। दीदी, मुझे प्यास लग रही है, मगर मैं स्कूल के घड़े से पानी नहीं पीऊंगी। पता नहीं क्यों उसका पानी कुछ ठीक नहीं लगता। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ दीदी, ये ठीक कह रही है। घड़े से पानी पीने के बाद ही महेश के पेट में दर्द शुरू हुआ था। और दीदी, पानी का स्वाद भी खराब लग रहा था। अच्छा, सब लोग घड़े के पानी की शिकायत कर रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? महेश जी, दीदी तुम यहीं लेटो, मैं अभी दवा भिजवाती हूँ। चलो बच्चों, चलें देखते हैं। चलो, हाँ, 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 हाँ,
अरे अरे, ये क्या? यहाँ तो पानी का घड़ा खुला पड़ा है। ढूंढो तो इसका ढक्कन कहाँ है? घड़े पर तो ढक्कन होना चाहिए। ढूंढो जरा, वहाँ तो नहीं है। यहाँ भी नहीं। उस तरफ नहीं। खिड़की के पास पता नहीं, वहाँ भी नहीं है। दीदी, ढक्कन तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने तो कल से इसका ढक्कन देखा ही नहीं। ढक्कन तो बहुत दिनों से नहीं है। अच्छा, देखूं घड़े में। अरे, ये पानी तो बहुत गंदा है। देखो, तुम भी देखो। दीदी, घड़े के अंदर पानी गंदा नजर आ रहा है। हाँ हाँ दीदी, पानी गंदा है। पता नहीं पानी में क्या क्या पड़ा है। अच्छा चलो, इस पानी को तो गिरा ही देते हैं, फिर घड़ा अच्छी तरह साफ करेंगे और फिर इसमें साफ पानी भरकर रखेंगे। ठीक है दीदी। घड़ा उठाओ। शाबाश, अब इसे ध्यान से ऐसे। ये घड़े में से क्या निकल रहा है? रोटी। दीदी, रोटी इसमें कहाँ से आई? और ये नीचे आलू, भिंडी, छी, हमने पहले तो नहीं देखा था। इसमें रोटी और सब्जी पड़ी है, तभी तो पानी इतना गंदा और बदबूदार है। पर दीदी, इसमें रोटी सब्जी कौन डालेगा? तुम ही बताओ, तुम सब ही तो इसमें से पानी पीते हो। दीदी, मैं बताऊं? अपने खाने के डिब्बे से किसी ने पानी निकाला होगा। हाँ, ये हो सकता है। तभी तो पानी में से रोटी और सब्जी निकली। क्यों, पानी निकालने का पौवा कहाँ गया? पौवा क्या होता है दीदी? देखो, गिलास के साथ एक छोटी सी डंडी लगी रहती है। क्या लगी रहती है? डंडी। हाँ, जैसे कलछी में होती है। डंडी जरा सी ऊपर से मुड़ी रहती है। कहाँ मुड़ी रहती है? ऊपर से। हाँ, उसे कहते हैं पौवा। अच्छा दीदी, गिलास के साथ एक छोटी सी डंडी लगी रहती है। जैसे कलछी में होती है। डंडी जरा सी ऊपर से मुड़ी रहती है। ठीक, उसे कहते हैं पौवा। पौवा, हाँ, समझ गए ना? हाँ दीदी। अच्छा, ऐसा होता है पौवा? हाँ, इसी पौवे से घड़े में से पानी निकालना चाहिए, लेकिन तुम्हें पौवा नहीं पता। इसका मतलब तुमने यहाँ पौवा देखा ही नहीं, तो फिर यहाँ पानी निकालने के लिए क्या कोई बर्तन नहीं था? दीदी, एक गिलास था। पता नहीं वो भी कहाँ गया। पर दीदी, गिलास से भी कोई पानी नहीं निकालता। तभी तो वो कहीं कोने में गिरा रहता है।
उससे पानी निकालने में देर जो लगती है। यानी पानी का घड़ा ना ढका रहता है और ना ही इसका पौवा है, तभी तो पानी इतना गंदा हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। ठीक है ना बच्चों, अगर पानी खुला पड़ा रहेगा तो उसके अंदर कुछ भी गिर सकता है, धूल, मिट्टी, गंदगी, है ना? हाँ दीदी, खुले घड़े में तो कुछ भी गिर सकता है, मिट्टी, धूल, गंदगी। ये तो हमने सोचा ही नहीं। और जो बच्चे अपने खाने का डिब्बा घड़े के अंदर डालते हैं, वो तो बिल्कुल गलत करते हैं। हाँ, जूठा खाने का डिब्बा डालने से ही तो रोटी सब्जी घड़े में गिरी थी, और दीदी इस तरह से गंदा हाथ भी तो पानी के अंदर चला जाता है। और हाथ की गंदगी पानी में चली जाती है और पीने का पानी गंदा हो जाता है। हाँ, ये तो है। अब तुम्हें समझ आया? साफ घड़े में साफ पानी भरो, फिर घड़े को ढक्कन से ढक दो और पानी निकालने के लिए मैं पौवा भी मंगवाती हूँ। अब बन गई ना सारी बात? हाँ दीदी। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, एक बात, पानी पियो साफ साफ, पानी पियो साफ साफ। समझ गए ना? हाँ दीदी, समझ गए हम एक बार, पानी पिए साफ साफ, पानी पिए साफ साफ। बर्तन में ना जाए हाथ, बर्तन में ना जाए हाथ, पौवा रखे साथ साथ, पौवा रखे साथ साथ। घड़ा भी हो बिल्कुल साफ, घड़ा भी हो बिल्कुल साफ, ढककर रखे बार बार, ढककर रखे बार बार। देखो घड़ा भी कितना साफ है और ढका भी हुआ है और पौवा भी रखा है। हाँ। दीदी दीदी दीदी, आओ आओ महेश, कैसा है अब तुम्हारा पेट दर्द? अब बिल्कुल ठीक है, आपने जो दवा भिजवाई थी उससे दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे प्यास लगी है, इसीलिए
मैं पानी पीने आया हूँ। हाँ हाँ पियो ना। अरे वाह कितना साफ घड़ा है। वाह ये तो पानी भी बिल्कुल साफ है। हम सब ने मिलकर घड़ा साफ किया है और फिर इस घड़े में साफ पानी भरा है। और देखो ये पौवा, इसी से पानी निकालना है। और याद रखना घड़े को ढक्कन से ढक कर रखना है। अच्छा पहले तो ढक्कन और पौवा नहीं था, अब दीदी ने रखवाया है। चलो तो मैं पानी पीता हूँ। अरे इस पौवे से पानी निकालने में बड़ी आसानी है। मुझे भी प्यास लगी है, मैं भी पानी पीऊंगा पौवे से निकाल कर। मैं भी पीऊंगी मैं भी पौवे से निकाल कर। अरे अरे पौवा अब यहीं रहेगा, सब पीना साफ पानी। और हाँ अगर तुम सब पौवे से पानी निकालोगे तो पानी गंदा भी नहीं होगा। गंदा पानी साफ पानी। अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम। परियोजना निर्देशन, विषय संयोजन एवं अनुसंधान डॉक्टर स्वर्णा गुप्ता, आलेख विनीता कृष्णा, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, पल्लवी पायल, प्रतिमा आरती एवं सत्यजीत, संगीतकार राकेश पंडित, गायन स्वर सिमरत कपूर तथा नेहा शर्मा, ध्वन्यांकन दीपक पांडे तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।